जी, थैंक यू आपकी टीम का आपने किस तरह मेरा किया और आज इनकी जो एनर्जी है ही नहीं कौन हो आप लोग अपने लिए नौजवान है मैं इनको गुड लक कहूं लाइफ में आप जो करना चाहते हो पढ़ना चाहते हो आप काम करना चाहते हो आप शादी करना चाहते हो प्यार करना चाहते हो मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूं लेकिन एक बात याद रखना ये जो गुड लक होती है ना ये उन लोगों के बड़ा खिलाफ होती है जो सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं उनसे दूर भागती है तो गुड लक आपको मेरी तरफ से है लेकिन आपने गुड लक पे डिपेंड नहीं करना आपने काम मेहनत जरूर करनी है क्योंकि आप तरक्की करोगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा क्योंकि आप हो मुल्क का फ्यूचर और आपको देख के मुझे ब... <laughs> ब्राइट 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 है bright है bright है फ्यूचर ब्राइट है फ्यूचर ब्राइट है, है तो आज हमने हंसी मजाक करना है इन्जॉय करना है हमारे जो गेस्ट हैं उनसे उनकी बातें सुननी है उनसे एंटरटेन होना है उनसे कुछ सीखना भी है, और आपने ऑफकोर्स इसमें मैं होस्ट नहीं हूँ आप मेरे साथ को होस्ट हो ये इस तरह है हम मेरा और आपका रिश्ता इस तरह है इसका मतलब समझते हो हवा नहीं गुजर सकती बीच में से इतने करीब है इतने तो आपकी इजाजत हो तो आज के गेस्ट को बुलाऊं अरे क्या बात है आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक सुपर मॉडल है एक एक्टर है और एक कमाल के सिंगर भी हैं अरे मैं कहता हूँ मुल्क का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ इनका बैनर ना लगाओ ऐसा कोई ब्रांड नहीं जिसका इश्तिहार इन्होंने ना किया हो ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं जिसके कपड़े इन्होंने ना पहने हो इन्होंने अपनी एक्टिंग के थ्रू आपके क्या पूरे मुल्क के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा उमर शहजाद बीच से लोगों ने लोगों की ख्वाहिश थी कि जब आप आए तो वो डायरेक्ट एक दफा आपको देख सके बच्चे बड़े तेज है ये बड़े तेज बच्चे है ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है उमर okay. भाई ये मोहब्बत ये प्यार कैसा हाउ डज दिस मेक यू फील वंडरफुल यू गाइज मेड माइ डे Uh, कराची से मैं आया हूँ यहाँ पर लेकिन जो भी थकन थी जो नींद थी वो सब आप लोगों ने उड़ा दी so, अरे सो मच थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव थैंक यू क्या बात है भी चंगे नहीं <laughs> <laughs> नहीं बाकी बहुत अच्छे सफर कैसा रहा जहाज में कोई ऐसा इंसान साथ बैठा हो जिसने आपका सफर बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया यार जहाज का सफर यही होता है मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं सो जाऊँ और सोकर ही वो टाइम निकल जाए तो ज्यादातर यही होता है और जब... कोई इंटरेस्टिंग वाकया नहीं हुआ

एक दफा फिर से थैंक यू सो मच आप you, आए और मैं ही नहीं बल्कि जो मेरी आज ऑडियंस है ये भी बहुत एक्साइटेड थे आपके साथ बातें करने के लिए तो yeah. अगर आपकी इजाजत हो तो शो शुरू करते हैं करते और तशरीफ रखें so कर दी का सफर आगे लेकर चलते <laughs> उमर, भाई, उमर भाई उमर भाई आपकी जिंदगी का एक सफर रहा एक्टिंग की आपने मॉडलिंग की आपने सिंगिंग भी की लेकिन मैं बात शुरू से शुरू करना चाहूंगा आपका पहला प्यार जो था वो आपकी टीचर से आपको हुआ था टीचर मुझे पसंद थी एक इंग्लिश की टीचर लेकिन प्यार नहीं <laughs> मैंने कहा मैंने कहा जब शो शुरू करना तो फिर शुरू से ही करते हैं हाँ ठीक है करें करें प्यार की बात करें मोहब्बत की बात करें तो वो क्या बात बनी नहीं बनी सुना आपने उनको बताया भी आ, बिल्कुल बताया भी था और उनको बताया और डांट भी पड़ी थी और स्केल भी पड़े थे और ये भी कह दिया था कि घर से पेरेंट्स को बुलाएं लेकिन लेकिन फिर मैं स्पेशली गया मैडम के पास असल में वो दोस्तों में आपस में होता है ना कि हम बता दिया करते हैं कि यार ये मतलब पसंद हैं या फिर क्रश हैं या जो भी हैं तो उन तक वो दोस्त ही पहुँचा देते हैं बात तो जब मिस को पता चल गया था तो फिर सही वाली क्लास भी हुई थी लेकिन फिर वो मिस लेकर ये नहीं कहा इतनी देर क्यों कर दी बताने <laughs> ने कहा बेटा अभी तुम पढ़ लो पहले सही है तो मैं तो मैं देखूंगी प्यार मोहब्बत धोखा है पढ़ ले बेटा यही मौका है हाँ यही मौका <laughs> है सही <laughs> बात तो बस स्कूल का बड़ा अच्छा एक अच्छा बड़ी मेमोरीज होती हैं और ऑब्वियसली एक क्रश जो भी होता है वो स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट होता है तो आई थिंक यस माय इंग्लिश टीचर वाज माय क्रश इंग्लिश टीचर अल्लाह ताला ओ ऐसे कर रही जैसे आप थी इंग्लिश की टीचर आपको कौन पे क्रश है ओके वेरी गुड ठीक है जी मैंने कहा हंसी मजाक चलता रहेगा अब शो को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं माशाल्लाह टॉल डार्क हैंडसम परफेक्ट बॉडी ग्रेट एक्टिंग स्किल्स इस सब के बावजूद भी क्या आपको अपने एक्टिंग की जर्नी में स्ट्रगल करना पड़ा आ, बिल्कुल करना पड़ा आ, बिल्कुल मैंने जब मॉडलिंग भी स्टार्ट की थी मॉडलिंग का मेरा मैंने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मैं एक्टिंग में फ़ॉरन से आने के बाद मुझे ब्रेक मिल जाएगा जो कि ऐसा नहीं हुआ आई स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल रोल वेरी स्मॉल करेक्टर जो कि एक टेलीफिल्म में था तो वहाँ से करते 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 फिर ड्रामास किए उसके बाद फिर फिर मूवी की तो इस तरीके से आ, मतलब मुझे बिल्कुल स्क्रैच से अपना एक्टिंग करियर भी वैसे ही स्टार्ट करना पड़ा जैसे मैंने मॉडलिंग का किया था और आपने क्या पर्सनली डिफरेंस फील किया मॉडलिंग इंडस्ट्री में और एक्टिंग इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ वर्किंग वर्किंगमेंट यार बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिंग इज़ मैं कहता हूँ बिल्कुल अलग एक प्लानट है और आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर मॉडलिंग का मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन मुझे अपने फ़ैशन वीक से पहला ब्रेक मिल गया था उसके बाद फिर फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट ही कर दी एक अलग चार है सही अच्छा लगता है इट फील्स गुड आप अलग अलग हर तरह के कपड़े पहनते हैं मतलब मैंने इतनी शेरवानियाँ ब्रैम पे पहन ली थी इतने शूट्स मैंने उसके कर लिए थे कि मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तेरी कोई शूट की पिक्चर तू अपनी असल पिक्चर भी डालेगा तो हम कहेंगे शूट की ही है <laughs> कि मतलब तू दुल्ह इतना बन चुका है और इतनी हर तरह की दुल्हन के साथ आ चुका है कि हमें तो तो क्या बात है? तो... Like a... <laughs> तो मुझे ये बताया, आपका एक ड्राम, ड्रामा था वो पागल सी वो पागल सी था ना बिल्कुल था कभी रियल लाइफ में कोई ऐसी पागल मिली है जिससे भागना मुश्किल हो गया हो जिससे भागना मुश्किल हो गया हो हाँ मिली है यार मिली है तो किस तरह ये बच्चे आज सीखने आए हैं अच्छा How did you deal with it? ये ये ना सिखाओ इन्हें ये ना सिखाओ <laughs> बाग ना ना सिखाओ नताशा जी आई थी हमारे शो पे उन्होंने कहा कि मेरे बाद तमाशा का विनर उमर को होना चाहिए था तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा उन्होंने यार खाली नताशा नहीं कह रही थी ये सभी कह रहे थे सब क्या है, है ऐसा आंसर इसे Uh, मुझे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और uh, मैंने उस शो के बाद जब मैं निकला हूँ तो मुझे बीच में थोड़ा सा आइडिया हो रहा होता था कुछ वीडियोज़ वगैरह हमसे शेयर की तो जो फीडबैक मिल रहा था जिस तरह लोग पसंद कर रहे थे और मैंने कुछ मैंने खेला नहीं बेसिकली आई वॉज़ माई सेल्फ मैं वैसा जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ मैं वैसा ही था आपने कोई शेड पुट अप नहीं किया कोई कोई पॉलिटिक्स कोई सियासत में था ही नहीं उसमें और तो वैसे ही मैंने लेके चले अपने पूरी पचास दिन की जर्नी उसके बाद लोगों ने बहुत पसंद किया लोगों ने कहा कि हम आपको ड्रामे के करेक्टर से जानते थे हमने असल में उमर शहजाद को जब देखा है तमाशा में तो हम आपके बहुत बड़े फ़ैन बन गए और उस चीज़ को मेरे ख्याल से लोगों को बड़ा अफसोस भी हुआ लोगों ने कहा कि यार आप ही हमारे विनर थे तो मैंने कहा बस आपने कह दिया तो मैं वाकई आप लोगों का ये दिस इज़ यही एक्चुअली दिस इज़ माई विनिंग कि यही मेरी जीत है कि आप लोगों ने जिता दिया इस तरीके से इस प्यार से इस मोहब्बत से तो मैं तो कहता हूँ बीच में कभी कोई ऐसा मोमेंट था तमाशा घर में जब आपने कहा कि यार यार है कि फंस गया मैं यार वो शुरू शुरू का टाइम था बिकॉज वो इतना ज़्यादा फिजिकली मेंटली ड्रेन था कि वो शुरू के टाइम पे तो दो तीन दिन के बाद मुझे लगता था मैंने कहा यार मैं मैं बस क्या करूँ मैं बाहर निकलना है पर आप निकल नहीं सकते थे वो गेम का फॉर्मेट ऐसा था चीज़ें ऐसी थी और मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा पेशेंस इतने ज़्यादा एक सबर का इम्तहान जितना मुझे इस पूरे पचास दिन में इस इस शो में सीखा है मैंने, मैंने सीखा है बहुत सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन इस चीज़ का भी कि आप में कितने पेशेंस हैं कितना सबर है वो उसका भी बड़ा एक आइडिया हुआ उसके बाद आपने कभी सोचा कि फ्यूचर में सियासत में कदम रखा जा सकता है यार मैं तो घर की सियासत का हिस्सा नहीं था मैं बाहर की सियासत में आप कहाँ डाल रहे हो मुझे क्या लाइन है यार क्या लाइन है जब मैं घर की सियासत का हिस्सा नहीं था तो मैं बाहर कैसे सियासत कर करना क्या बात अली जफर आपका नंबर ढूंढ रहे थे यशराज वाले आपके पीछे थे आप कहाँ छुपे हुए थे ये भी एक दफा हुआ बिल्कुल हुआ तो क्या आप इग्नोर कर रहे थे यार मुझे तो पता ही किसी एक डिजाइनर मेरे एक, दोस्त थे रिजवान समझे बात को सुने उन... उनका मुझे मैसेज आया कि यार अली जफर जस्ट पुट अप अ स्टेटस ऑन फेसबुक एंड ही इज आस्किंग फॉर योर नंबर अली जफर फेसबुक पे इनका नंबर ढूंढ रहे थे देखो स्टेटस लगा के तो वो मैंने कहा अच्छा तो बोल रहे हैं तुम बस वेट करो देर इज समथिंग कमिंग अप और कुछ है ऐसा तो मैंने नंबर तुम्हारा खैर उनको दे दिया सही है उसके कुछ टाइम के बाद आई अ कॉल मुझे फ़ोन आया तो मैंने देखा मैंने कहा कहाँ का नंबर है मैंने कॉल रिसीव की तो वो डायरेक्ट यशराज प्रोडक्शन से नंबर ढूंढ रहे थे और ये अपना ही बिजी ये अपना ही गई पे। कुछ कुछ पता ही नहीं अच्छा, क्या इसके बात पीछे है? भी एक एक बेसिकली वो वो चले अली जफर ने उठा के गाओ पहला लोड करा फिर मैं कर, फिर मैं कॉल करता अच्छा फिर आगे से यशराज यार वो उनकी हाँ, बिल्कुल लड़की थी मुझे उसका नाम भी है। शलीन नाम था जानता कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा विद यू और इस तरीके से उन्होंने एक वीडियो कॉल मेरी एक सेटअप uh, की टाइम सेट किया है। उस पर फिर हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने फिल्म के बारे में बताया मूवी के बारे में बताया असल में मेरा एक, एक, एक ड्रामा था जो कि उनके जी जिंदगी वहाँ पे एक चैनल पे बिल्कुल चला था तो वहाँ पे दॉ मी दे गूगल्ड मीड दे वेरी प्रोफेशनल उन्होंने सारा कुछ डेटा वगैरह निकाला तो उन्होंने पहले बात ही स्टार्ट यहाँ से की कि उम्र द मॉडल फ्राम पाकिस्तान इज इट मैंने बोले यस आई एम उमर तो फिर उस फिल्म के बारे में और उसके तकरीबन कुछ मैं हफ़्ते के बाद मैं उमरे पे जा रहा था आ, तो मैंने उनसे सिर्फ यही मैं आई वॉज इन टच विद विद हर फॉर लाइक थ्री फोर डेज़ मुझे पूरी स्क्रिप्ट बता दी थी सब कुछ बता दिया था और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उमरे पे मैं ही मैंने कहा था मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ बट आई कीप इन टच विद यू और आप मुझे सारी चीज़ें बता दीजिएगा डिटेल्स बता दीजिएगा फिर मैं वहाँ चला गया फिर अबू ने भी कहा कि बस अब अल्लाह मालिक है जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन एटलीस्ट तुम

श्यश्मेनं

डिस्कवर कब, कब किया आपने अपना सिंगिंग का टैलेंट ये किलर है बारह साल की उम्र से बिफोर <laughs> मॉडलिंग आप या आई आई बीन सिंगिंग व्हेन आई वाज तो वोकलिस्ट तो मैं शुरू से स्कूल में यूनिवर्सिटी में एनुअल डिनर्स में परफॉर्म करना करता था दिस इज अमेजिंग तो सेट पे तो लोग आपको हर हाँ सुनाओ अब इंटेंस सीन करके आए मैं आप अच्छा चले मोहब्बत तो <laughs> so, इस तरह करके शुरू हो जाते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस मुझे बताएं उमर भाई ये जो माशाल्लाह ये बॉडी का क्या राज है ये फिटनेस जर्नी बताएं कितना डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना पेश्ट, पेश्ट, पेश्ट। लड़कों को कहना चाहिए था गुड क्वेश्चन <laughs> अगर तुम लोग ऐसी बॉडी बनानी है <laughs> बोलें यार <laughs> यार पहले तो बताएं कि ये बनने में कितना टाइम लगा कैसे बनी उसके बाद अब इसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है ये अब सुन लो बात कहना तुसी है नहीं। uh, जब फील्ड में नहीं भी था तब भी मैं जिम वगैरह जाता था अच्छा और uh, वो अलग बात है कि फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने अपनी फिटनेस प्रॉपर इस जर्नी को बड़ा सीरियस लेकर रिलीजियसली लेकर डाइट को और जिम को लेके चला हूँ मैं मैं ये कहूँगा कि ये अलग बिल्कुल एक अलग दुनिया है सही है इस हर चीज़ से एक बिल्कुल अलग दुनिया है और इसको मैंने थॉरली पढ़ा है मैंने स्टडी किया है मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स मैंने फॉलो किए हैं उनका लाइफ उनका खाना पीना कैलरीज वर्कआउट्स हर चीज़ और इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को लेके चला चलाऊँ और सब कुछ हर चीज़ देखें जितने भी हैं सब लड़के बहुत सारे मेरे जिम में आते हैं आते ही वो फ़ौर कुछ तो मतलब मुझे जिम में जाके पता चलता है कि यार वो कुछ आज लड़के आए हुए थे वो तो आपकी पिक्चर लेकर आए हुए थे कि यार ऐसा बना दो यार ऐसे हमें फिजिक है इस तरह का बना दो बिल्कुल तो, ऐसे ही है तो वो एक तो पेशेंस नहीं है सब्र बहुत चाहिए अब मुझे तो खैर काफ़ी साल हो गए करते हुए लेकिन ये कि आपको बड़ा बड़ा टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को बहुत कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है

हाँ तो वो मेरा डिसाइडेड uh, होता है मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि हफ़्ता जब आ रहा होता है और फास्ट uh, फूड होता है मुझे पिज्ज़ा बर्गर्स बर्गर्स बहुत पसंद है मुझे अच्छा बर्गर्स uh, खाता हूँ सुबह मेरा एक पराठा दो पराठे तीन पराठे और बन कबाब मतलब मैं पूरे दिन हाँ यस यस येस, येस, येस। संडे तक वो चल रहा होता है मतलब ऐसा होता है कि आपके संडे तक मेरे दो केजी बढ़ जाता है

इन्हीं की तरफ अब जाना चाहूंगा क्योंकि ये बड़े एक्साइटेड थे आपसे सवाल पूछने के लिए mm. तो आपकी इजाजत हो तो इनको मौका दें प्लीज प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछना चाहती मतलब एक एडवाइस लेना चाहती हूँ अच्छा तो मैं मॉडल बनना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कोई अच्छे से पांच पोजेस और पांच बॉक्स बनवाना है सबसे ज्यादा आसान तरीका तो अब तो गूगल अवे आपने आप <laughs> लड़कियों के पोजेज मैं कैसे बताऊँ <laughs> का तो तो बता <laughs> अब आपने तो काम लड़कियों के साथ भी किया ही होगा किया है लेकिन वो पोजेस कभी कभी ऐसे दे देती हैं हम भी डर जाते हैं देख के ना बताएं ना जो अच्छे हो जो मतलब करे वो वाले बताएं नहीं नहीं आम एक्सेप्ट करेगी बट चार वो वाले बता दे एक <laughs> 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 अच्छा तो क्या कैसे मॉडल बन सकती है वो याद मॉडल आप बिल्कुल आपने पोर्टफोलियो अपना शुरू में इनिशियली मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बनवाया था और पोजेस मुझे भी नहीं आते थे तो जिस फोटोग्राफर से आप अपना अब अप अब तो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है जिस फोटोग्राफर से भी आप पोर्टफोलियो करवाएं तो वो खुद आपको बड़े अच्छे पोज़ेस बता देगा कि कौन सा पोज आप, लेकिन पे सूट मैं आप करेगा से पोजिस। पोजिस। लेकिन लेकिन सुनना चाहती थी पोज़ेस पांच मैं आपको वही बता रहा ना कि पोज़ेस जो है वो आपको फोटोग्राफर उस तरीके से बताएगा कि आप पर कौन सा पोज़ सूट तो करके दिखा मुझसे चाहने वाली है अच्छा एक पोज करूंगा मैं यहीं बैठे बैठे यही बैठे बैठे कर होगा। जो मैं भी कर सकूं। अच्छा, पता, नहीं, पता नहीं चलता लड़कियों की आगे पीछे यूँ -यूँ हो जाती है उसके बाद जब यूं अपनी बॉडी को टिल्ट लेकिन ये जो इंटेंसिटी होती है मॉडल इंटेंसिटी ये फेशियल इंटेंसिटी किस तरह क्रिएट करते हैं कि आंखें के बंदा डर भी जाए हैं दो चीजें होती है एक तो आपके लिप्स के बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा सा और आपकी जो आंखों में वो शरारत होनी चाहिए शरारत होनी चाहिए और कैमरे को देखकर मतलब जो पोज आप देना चाह रहे हैं वो आपने बस कैमरा से, भी डर जाए आंखों से आपने कैमरे को जो बताना है गुस्ता नहीं ऐसे की हो रहा है बट ठीक है सी कम्पटिशन चल रहा है अच्छा जी मॉडल बनना है आपने जी, लड़कों में से कोई मॉडल बनना चाहता है एक्टर बनना चाहता है कोई आप एक्टर तो आप आप ये इनसे एक्टिंग क्लासेस भी ले सकती है लेकिन ये अगर वैसे आपने जितनी रैम्पॉक किया तो लोगों को गाइड भी कर सकते हैं वॉक आके और इनसे रिव्यू लेना चाहता है अपनी पे. है? आ जाए? <laughs> <Why> not, <दालिया? laughs> इनके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां इन... <laughs> आ जाए देखिए कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है एक मॉडल के लिए बहुत जरूरी है मेरे अंदर हूं जब आप रैम रैम्पे भी जब आप वॉक कर रहे होते हैं और हर एक आंख आप पर होती है स्टेज पे जो एक मॉडल वॉक कर रहा हर आंख आप पे तो वो एक कॉन्फिडेंस confidence... तो स्लिप हो रैंप पे आप कुछ इस तरह हुआ आ... तो कॉन्फिडें लड़कियों की तो हमने बड़ी क्लिप्स देखी इस तरह की क्लिप लड़कियों लड़कियों के तो वो लहंगे वहंगे वो अक्सर पैरों में आ जाते हैं वाकई लड़कियों का सबसे बड़ा मसला हील होता है तो आपने कहा था ना आप वॉक अपना वॉक करना चाहती है इनसे रिव्यू लेना है आपको बेहतर बता सकते हैं मैं इनके साथ करना चाहूंगा आयर फिर बता ये फैंस है देखिए ये ये फैंस है ये ये जले है जले आ जाए ना चले आ जाए आ जाए आ जाए जा। तालिया ओ क्या नाम था अस्मा नवीद नवीद साहब की साहबजादी आज हमारे साथ मौजूद है अच्छा जी वॉक फिर यहां से यहां कर दें आप लोग आ जाएं आप इधर आए सपोर्ट करें सपोर्ट करें अच्छा आप बेहतर बता सकते हैं लेकिन एक वॉक सिर्फ बॉडी वॉक नहीं फेशियल इंटेंसिटी भी सारा कुछ उनको थोड़ा गाइड कर दें फेस एक्सप्रेशंस कैसे होंगे आपके <laughs> एक एटीट्यूड एटीट्यूड तो सबको देना आता सब so है एक एटीट्यूड और सबसे ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए आंखों में सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ चले तो ऑन थ्री वन टू थ्री फैशन का है ये सर oh, 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 oh. कराची ना निकल जाइएगा एक सेकंड <laughs> <laughs> क्या बात है आ जाए वापस आ जाए वापस <laughs> आ जाए <laughs> <बापेस आ जाएं। laughs> फ्रंट पे पोस्ट फ्रंट पे पोस्ट करें आप क्या पोस्ट आता है तालियां हो जाए भाई तालियां <laughs> तालियां

इस तरह ही वॉक करते करते ना आप घर की तरफ अस्सलाम <laughs> वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका ठीक मेरा नाम हिजाब फातिमा हिजाब पूछे सवाल आपने शुरू में बोला था कि लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि इंसान हेल्पलेस हो जाता है तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था कि आप बेबस हेल्पलेस हो गए थे तो थोड़ा सा बताएंगे आप हेल्पलेस मोमेंट आई थिंक जिंदगी में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं um, कि क्या बहुत आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप करें तो करें क्या आप किसी की हेल्प भी नहीं लेना चाहते और आप बस अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन से निकल जाएं तो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट जो मेरे लिए था वो बनाई लॉस्ट माई मदर वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था बहुत ज़्यादा था बिकॉज़ आई वॉज़ रियली रियली अटैच टू माई मदर और uh, उस वक्त ये था कि मतलब मैं इतनी दुआएं कर रहा था इतनी दुआएं कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था और फिर मुझे कहते हैं ना एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला का खुली खुद ही से बुलावा आ जाता है और फिर मैं उम्र पे गया तो वहाँ उसके बाद फिर मुझे बहुत बेहतर मैं फ़ील करने लगा आई जी नेक्स्ट क्वेश्चन वालेकाम क्या नाम है आपका सही मुस्तजा फातिमा क्या सवाल पूछेंगे आप मैं पूछूंगी इनको कभी ऐसा शूट मिला हो जिसके बाद इन्होंने बोला हो कि लीक नहीं होना चाहिए या इनको खुद पछतावा हुआ हो कोई ऐसा शूट जो करके आपको फील हुआ हो नहीं ये ना करता ये। तो बेहतर था अच्छा अच्छा सवाल है हम्म बिल्कुल ऐसा है एक शूट नहीं दो तीन शूट हैं दो, है? दो, है। दो तीन ऐसे हैं दो तीन वाले दिखा दे दो तीन ऐसे हैं मतलब उसमें से दो तो आपके मैगजीन में प्रिंट भी हो गए थे मतलब प्रिंट हो गए थे और अब मैं अपनी एक, एक एक शेयर करूंगा मेरा पहला शूट था जो कि मुझे जब मेरा फीमेल मॉडल के साथ शूट हुआ तो उसी में इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा वो हो गई कि मेरा पहला शूट था मैं बहुत नर्वस था लेकिन खैर वो मॉडल बहुत हमारी सीनियर मॉडल थी तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी उनके साथ शूट हुआ ये वो मैं बड़ा एक्साइटेड मैंने कहा यार पिक्चर्स तो बड़ी ऐसी आ रही हैं वो मैं कुछ पिक्चर्स में कंफ्यूज लग रहा था ये वो लेकिन जब वो पिक्चर्स आ गई और जब वो मैगजीन में आई जब मैंने देखी तो वो

तो मैं वाकई मैं फंस गया था और मैंने कहा ये, कहा ये आग... तो मैं हुई नहीं। अरे भी नहीं कह सकता ना कि अम्मी ये तो मुझे पता ही नहीं था ये पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता था मैं तो वो फिर मुझे मैं बड़ा केयरफुल हो गया था मुझे अच्छी खासी अम्मी से सुननी पड़ी थी मतलब अभी तुम स्टार्ट हुआ ने क्या कहा दोस्तों ने तो कहा यार अब तो ये अब तो हम दूसरी अगली शूट का वेट कर रहे हैं

इंक्रीज uh, नहीं करता हाँ। है नहीं ठीक आई दी नेक्स्ट क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा नाम आयशा आयशा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको इंडस्ट्री में कभी किसी ने प्रपोज किया है लड़कियों के सवाल ठीक है एक्सेप्ट किया है तो कि नहीं <laughs> बता दें आज ये अपने अपने इंडस्ट्री में प्रपोज किया है भाई यार भाभी को बधाई बधाई <laughs> सर आपने एक्सेप्ट किया था हाँ कर लिया था एक्सेप्ट <laughs> <laughs> भी बता नेक्स्ट क्वेश्चन योर गर्ली क्रश योर गर्ली क्रश अच्छा गर्ली गर्ल गर्ली क्रश ही होगा और कोई गर्ल बॉयली क्रश तो नहीं होगा ना क्रश <laughs> तो Um, यार मैंने क्या इसलिए आपको बुलाया था कि मेरे गेस्ट को छेड़ो आप लोग यार ये देखें यार <laughs> यार ऐश्वर्या पाकिस्तान में उस टाइम की पाकिस्तान में पाकिस्तान में पाकिस्तान में आई आई रियली लाइक माहिरा माहिरा जी <laughs> लेकिन आप कुछ दिनों से लेट हो गए मैं एक अगले हमारे सेगमेंट की तरफ जाना चाहूंगा जिसका नाम है तोले बगैर बोलो मेरे अगर इंडस्ट्री में कनेक्शंस होते तो मैं बहुत आगे निकल गया होता स्टार्ट में यस यस बॉलीवुड में कौन सा एक्टर है जिसको देख के लगता है यार इससे ज्यादा अच्छी बॉडी और एक्टिंग दोनों मेरी है बॉलीवुड <laughs> में ah. सलमान खान ah. <laughs> <laughs> अगर किसी एक्टर के साथ जिम करने की ख्वाहिश हो तो वो कौन है uh, कोई भी ओवर एक्टर भी भी, के साथ ऋतिक 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 की भी बड़ी बॉडी है, है क्या बात है ए... सर से ज्यादा नहीं क्या बात थैंक यू एक फिल्म में अगर आप हीरो हो और तीन हीरोइंस हो तो कौन कौन सी एक्ट्रेस को चूज करेंगे <laughs> माहिरा माया सबा माहिरा माया सबा वाह सारी जिंदगी अगर एक ही एक्ट्रेस के साथ हीरो आना हो तो वो कौन होगी एक ही करो ना सबा कमर सबा अगर कल को पता चले ये एक्ट्रेस एक्ट्रेस अरेस्ट हो गए हैं तो क्या लगता है कि किस वजह से ये अरेस्ट हुए हो होंगे हुमायूं सईद हु किसी लड़की की जान बचाते हुए

अरेस्ट करवाऊँ मैं उसे हाँ उसके भी ये होगा कि, कि किसी दूसरे के मामले में घुस के ना वो भी बेचारा मारा गया इज देर फॉर फॉल हानिया आमिर हानिया आमिर क्या होना चाहिए हानिया आमिर का इनमें से किसके पास अपनी लुक्स की वजह से ज्यादा एज है फवाद खान हमजा अली अब्बासी एहसन खान बिलाल अब्बास खान

मगर फिर भी रिश्ता रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप हूं फुल अमिताभ बच्चन स्टाइल ओके okay. परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन इन तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप hey, बहुत बहुत अच्छा जी चम्मा हलकट उठा ले रे बाबा मेरे को नहीं रे मोमिन को उठा ले अरे दादा हलकट उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे नहीं रे, उठा ले मेरे को को नहीं उठा आपने देखे दिस इज वॉट एन एक्टर इज़ वो एकदम जब रोल में आते हैं तो फिर वो रोल में होते हैं आपको hmm. पता नहीं चलता कि एक सेकंड पहले बंदा किस जोन में था क्या पर्सनैलिटी थी ये है स्विच बटन एक्टर का नैना नैना मैं आंखें खोलता हूँ तुम्हें देखता हूं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारी छोटी बहन को देखता हूँ मेरे मेरी नैना को ढूंढते रहते हैं अरे आंखें बंद करता हूं तो तुम्हारी छोटी बहन को देखता मेरे नैना मेरी नैना को ही ढूंढते हैं क्या बात है क्या बात है आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने अरे अभी अभी तमाशा घर से निकला हूँ और फिर मौत का तमाशा बना दिया पार्टी अरे यार ये तो ये कैसे होगा ये आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने अरे अभी अभी तमाशा घर से निकला हूं और फिर मौत का तमाशा देख <laughs> <laughs> क्या बात है वेरी टैलेंटेड <laughs> आ गए Majnu सेठ नाम है मेरा मोहब्बत के लिए कुछ दो तीन लाइंस है जो कि मैं मैं कहूंगा प्लीज बताऊंगा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते एक दिन उसके दर पे रक्स वहशत क्यों नहीं करते रक्स वहशत कन्फेस करना एक दिन उसके दर पे से वहशत क्यों नहीं करते इलाज अपना करा रहे हो ना जाने किस किस किस्से इलाज अपना करा रहे हो ना जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते उफ। इस प्यारी बात पे इतनी प्यारी बात पे आई थिंक और कोई बात हो नहीं सकती यही कहना चाहूंगा कि आप भी मोहब्बत क्यों नहीं करते नफरतों में कुछ नहीं पड़ा प्यार बांट लो अपने इर्द गिर्द प्यार बांट लो क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है बिजली पेट्रोल गैस समझ कुछ लग नहीं रही एक ही चीज़ फ्री चुनती है वो होंगी है मोहब्बत ते काइंडनेस काइंड हो जाओ आप तो हंसते खेलते रहें दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा मेरे आज के जो गेस्ट थे उमर भाई उनको भी और ये जो बड़ी प्यारी ऑडियंस थी इनको भी मिलता हूँ आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ आई लव यू